झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां पूरा राज्य पानी पानी हो गया है, वहीं सुबह के लगभग सभी डैम ओवरफ्लो करने लगे। इसी कड़ी में रांची का हटिया डैम भी डेंजर जोन के ऊपर पानी आ गया है। 39% ज्यादा पानी डैम में नापी गई है। वहीं सवेरे से ही पीएचईडी विभाग के द्वारा डैम का फाटक खोलने की तैयारी चल रही है, लेकिन अब तक फाटक नहीं खोल पाया गया है। इधर कर्मचारियों का कहना है कि सारा प्रोसेस कर दिया गया है, चेन पुलिंग कर दी गई है, अब जैसे ही बारिश होगी और पानी ओवरफ्लो होगा तुरंत फाटक खोल दिया जाएगा। लेकिन स्थानियों का मानना है कि हमारे विभाग ने दिखावा किया है या फाटक पूरी तरह से जाम हो चुका है। विभागीय लापरवाही के कारण इसे खोलना इतना आसान नहीं है। वहीं स्थानियों का मानना है कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, विभाग को पहले ही सक्रियता दिखानी चाहिए थी। हालांकि अभी फाटक बंद है और विभाग बारिश का इंतजार कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि फाटक खोली जाती है या फिर ओवरफ्लो के माध्यम से डैम का पानी बाहर निकाला जाता है। गेट से गिर जाएगा बाहर। अच्छा, तो क्या गेट खुलेगी? तो खुलेगा। आप लोग देखे, निरीक्षण किया, तो क्या अब इसमें इम्प्रूव करने की लग रही है जरूरत? अब डिस्कस चल रहा है जी,